हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इस वीडियो में 28 जून 2024 का करेंट अफेयर करने वाले हैं, जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो जो भी पहली बार इस चैनल पर जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस से कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर बी 25 जून को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस से मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन नंबर बी गांधीनगर में। हाल ही में भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है? ऑप्शन नंबर सी केरल ने जो है विधानसभा का जो है नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत के पहले येल विश्वविद्यालय के में कुलपति नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी साइमन मार्क को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने चीन का शीर्ष विज्ञान तकनीक पुरस्कार जीता है? ऑप्शन नंबर सी ली डेरेन और जू किनून दोनों ने हैं जो चीन का शीर्ष विज्ञान तकनीक पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिला में एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को जो मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने सरकार को 69.59 करोड़ रुपये का लाभांश दिया है? ऑप्शन नंबर सी SBI बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय स्टॉप डायरिंग अभियान 2024 का शुभारंभ किया है? ऑप्शन नंबर बी JP नड्डा साहब जो हैं राष्ट्रीय स्टॉप डायरिंग अभियान 2024 को शुभारंभ किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने किसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का CMD नियुक्त किया है? ऑप्शन सी गिरिजा सुब्रमण्यम को जो है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का CMD नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा बना है? ऑप्शन ए चीन देश जो है वो चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश बना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ हुई है? ऑप्शन बी नई दिल्ली में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी जगत प्रकाश नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO बने हैं? ऑप्शन सी अनुज त्यागी जो हैं वो हाल ही में HDFC का ERGO जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO बने हैं।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का अनावरण किया है? ऑप्शन बी महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल ने गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन्स नामक जो है पुस्तक का अनावरण किया है। ये कल का सवाल था, कल का सवाल था अकबर का मकबरा कहाँ है? सही उत्तर है अकबर का मकबरा जो है वो सिकंदराबाद में है, आगरा के जो है सिकंदराबाद में। आज का प्रश्न है जो आपके कमेंट बॉक्स में देना है, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और चौथा ऑप्शन है इनकलाब। इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाता है, लिंक जो है इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।